एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस और गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस यहां पर मिलते रहें। दोस्तों, आज यहां पर हम समझेंगे कि किस तरह अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश के छात्र अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी कि RDVV जबलपुर के छात्र हैं, तो उसके लिए आप कैसे माइग्रेशन मंगवा सकते हैं उस पर ही मैंने वीडियो बनाया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप उसका पूरा वीडियो वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पर काउंटर बेस एप्लीकेशन में अप्लाई माइग्रेशन के सामने आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका काउंटर बेस एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एनरोल्ड स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नामांकन क्रमांक यानी कि आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भी डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है एप्लीकेशन टाइप, आवेदन का प्रकार। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन नॉर्मल और अर्जेंट दोनों बेसिस पर है। उसमें फ़ीस का डिफरेंस रहता है। नॉर्मल में यहाँ पर कम फीस रहती है, अर्जेंट में ज़्यादा फीस रहती है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा वैल्यू डालकर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्म ओपन होने के बाद आपको डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पर आपको छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम इंग्लिश में डालना है। और इंग्लिश में नाम डाल देने के बाद आपको राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी में नाम डालना होगा। हिंदी में आप गूगल इनपुट टूल या फिर किसी अन्य माध्यम से यहाँ पर हिंदी टाइप करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी में नाम डालेंगे। डालने के बाद आपको जन्मतिथि यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपनी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर डाल देना है, आपकी कैटेगरी, और यहाँ पर आप अगर NRI हैं यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। और बाद में उसके यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस यानी कि आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना है। आपको यहाँ पर वही एड्रेस डालना है जिस पर आप माइग्रेशन यहाँ पर रिसीव करना चाहते हैं, तो एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करा देना है। इनकेस आपका जब बाय पोस्ट माइग्रेशन आता है तो आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, तो उस टाइम आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। तो यहाँ पर एकदम सही मोबाइल नंबर और चालू मोबाइल नंबर एक दे देंगे आप। उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कॉलेज डिटेल्स आपको फिल करनी है। कॉलेज डिटेल्स में आपका यहाँ पर स्टूडेंट टाइप, मतलब आपका कोर्स जो आपने किया हुआ है वो रेगुलर प्राइवेट किया हुआ है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज, मतलब कॉलेज की कैटेगरी यहाँ पर या कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस कॉलेज से आपने ऑटोनॉमस से किया है या प्राइवेट कॉलेज से किया है, तो उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। बाद में उसके आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम यानी कि कोर्स का नाम आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स नाम डालने के बाद यहाँ पर अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो करके यहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम रिजल्ट, पास फेल, अवेटेड, वो भी जो भी आपका रिजल्ट यहाँ पर है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है, परीक्षा का वर्ष है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं, 200 रुपीज़ है। टोटल फ़ीस यहाँ पर 30 रुपीज़ है, मतलब कुल यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पर 230 रुपीज़ है। 230 रुपीज़ आपको माइग्रेशन, नॉर्मल माइग्रेशन के लिए यहाँ पर पे करना होगा। तो फीस देखने के बाद यहाँ पर अब आपको एक मार्कशीट स्कैन कर लेना है। लास्ट वाली मार्कशीट जो आपकी है, फाइनल वाली जो मार्कशीट है, उसको यहाँ पर आप स्कैन कर लेंगे, जिसका मैक्सिमम साइज़ जो होगा वो 250 KB होगा। तो आप उसको स्कैन करके रख लें और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन में आप टिक करेंगे और एक बार यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स आप दोबारा से चेक कर लेंगे। कहीं पे अगर कुछ करेक्शन आप करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद इसको आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर हम फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एप्लीकेशन था जो नॉर्मल माइग्रेशन के लिए, वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। बट यहाँ पर ये अभी पेंडिंग है, एप्लीकेशन इज़ नॉट पेड। तो अब आपको इसकी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी। तो यहाँ पर हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिलहाल इसका पेमेंट हम कियोस्क के माध्यम से कर रहे हैं, बट आप चाहें तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य किसी UPI पेमेंट माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पेमेंट यहाँ पर कन्फर्म करने के बाद कुछ इस तरह से ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप वापस इसका एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर सकते हैं। हर बार ये माइग्रेशन में यही प्रॉब्लम होती है, हर यूनिवर्सिटी की लगभग आप जब एप्लीकेशन रिसिप्ट निकालते हैं तो इसी तरह का पेज आपके सामने ओपन होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वापस से इसके होम पेज पर जाएंगे और यहाँ पर सॉल्व कर आप नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, माइग्रेशन पे अनपेड एप्लीकेशन व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपके पास एप्लीकेशन डिटेल्स थी, जो आपके पास एप्लीकेशन नंबर रिसीव हुआ था, आपने एप्लीकेशन किया हुआ था, तो उस एप्लीकेशन नंबर को आपको कॉपी करके रख लेना है और या फिर उसका एक प्रिंट लेकर आप रख सकते हैं। उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डालकर, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालकर आप इसकी जो रिसिप्ट है वो यहाँ से ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पर हम, कैप्चा वैल्यू डालेंगे और अपना एप्लीकेशन यहाँ पर हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन, नॉर्मल माइग्रेशन है, उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ पर आ चुका है। अब इसको आप सेव करके रख लें अपने पास या प्रिंट करके रख लें, क्योंकि इसकी एक कॉपी आपको यूनिवर्सिटी को सेंड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको माइग्रेशन अप्रूवल के बाद सेंड करेगा, तो इसकी कॉपी आप निकाल कर रख लें और यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दें, जिससे आपको आपका माइग्रेशन रिसीव हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।